गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास फिफ्थ के लिए है और मैं आपको पढ़ा रही हूँ ईवीएस में सेवन चैप्टर ग्लोरी ऑफ ट्रीज। आज का हमारा टॉपिक है फॉरेस्ट वेल्थ कंजर्वेशन, वन संपदा संरक्षण, द एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान। जो वनों का जो संरक्षण जो होता है वो राजस्थान में पारंपरिक तरीकों से किया जाता है, प्राचीन पारंपरिक तरीकों से किया जाता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। After visiting the fair, next day Bhavya and Sanjay discuss about the fair in the classroom. मेले में जाने के बाद अगले दिन भव्य और संजय ने क्लास के अंदर मेले के बारे में डिस्कशन करा। भव्य बोलती है, I felt excited after visiting the fair of our folk deity. तो भव्य ने कहा कि जब से मैं हमारे लोक देवता के मेले से आई हूँ मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। एक्साइटेड मीन्स उत्सुक होना। आई सॉ अ बिग पास्चर लैंड एंड ओरन नियर द फेयर कंपाउंड। उसने कहा कि मैंने मेले के मेला जो ग्राउंड जो था, कंपाउंड जो था, उसके पास में पास्चर लैंड या ओरन जिसे कहते हैं वो जगह मैंने देखी है। तो संजय पूछता है, व्हाट इज पास्चर लैंड एंड ओरन? पास्चर लैंड या ओरन क्या होती है? देन भव्य से, आई हैव सीन मेनी ट्रीज बुशेज एंड अनकल्टिवेटेड लेन। तो उसने कहा कि मैंने वहाँ पर पेड़ देखे, झाड़ियाँ देखी और अनकल्टिवेटेड लेन देखी, जहाँ पर जैसे कि कृषि नहीं करी जाती है, वो जमीन मैंने वहाँ पर देखी। फ्रॉम द ट्रीज एंड बुशेज हियर इट सीम्स दैट पीपल डू नॉट यूज एक्सेस टू कट देम हियर। उसने कहा कि यहाँ पर जो पेड़ और झाड़ियाँ जो है उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि लोग जो है उन्हें कुल्हाड़ी से नहीं काटते हैं या कुल्हाड़ी का यूज़ यहाँ पर नहीं करते हैं। संजीव, हाउ डिड यू गेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन? ये सारी सूचनाएं तुम्हें कहाँ से मिली? तो भव्या बोलती है, इन माई विलेज, मेरे गाँव में पीपल डू नॉट कट वुड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ लेन, कि मेरे गांव के लोग जो हैं वो इस तरह की जगह से लकड़ी नहीं काटते हैं। लेट अस नो मोर अबाउट दिस फ्रॉम आवर टीचर, इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी हम टीचर से पूछते हैं। तो संजय कहता है, सर प्लीज टेल अस अबाउट पास्चर लैंड एंड ओरन, कि सर आप मुझे पास्चर लैंड और ओरन के बारे में हमें समझाइए। टीचर, डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, आवर स्टेट हैज ऑल ट्रेडिशन ऑफ कंजर्विंग द फॉरेस्ट, कि हमारे राज्य के अंदर जो प्राचीन तरीके से प्राचीन में जो पारंपरिक जो संरक्षण करते थे पौधों का, वनों का, वो उस तरह से हमारे यहाँ पर संरक्षण किया जाता है। पीपल कंजर्व द लैंड अराउंड देयर विलेज इन द नेम ऑफ ए फॉक डेटी, सेंट्स और ग्रेट मैन। देखो लोग क्या करते हैं कि राजस्थान के अंदर जो विलेज जो होता है उसके आसपास की जो जमीन जो होती है उसे किसी देवता का नाम दे देते हैं या किसी संत का नाम या किसी महान व्यक्ति के नाम से उस जगह का नाम रख देते हैं, ताकि लोग जो है उस जगह से कोई भी पेड़ वगैरह नहीं काट सके। सच लैंड इज नोन एज ओरन, और ऐसी जगह को ओरन भी कहा जाता है। टीचर, डियर स्टूडेंट्स, संजय, सर पीपल डू नॉट कट वुड फ्रॉम सच लैंड। तो संजय ने पूछा कि श्रीमान सर, क्या लोग उस जगह से पेड़ नहीं काटते? तो टीचर बोलते हैं, यस दे डू नॉट कट वुड, हाँ वो वहां से पेड़ नहीं काटते हैं। एज दीज पीपल आर अवेयर अबाउट एनवायरमेंट कंजर्वेशन, तो ये लोग जो है वो इस तरह से पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूक रहते हैं। द पास्चर लैंड एंड ओरन ऑल्सो रिमेन प्रिजर्व, और इसी तरीके से जो पास्चर लैंड या ओरन जिसे कहा है उसे सुरक्षित भी रखते हैं, प्रिजर्व भी करते हैं। तो संजय बोलता है, सर द विलेजर्स ऑल्सो टॉक अबाउट गवर्नमेंट लॉज रिगार्डिंग सच टाइप ऑफ लैंड। तो संजय ने बोला कि हमारे गांव में लोग जो है गवर्नमेंट के बनाए गए रूल्स के बारे में भी, इसी तरह के जो कुछ रूल्स जो है गवर्नमेंट भी बनाती है ऐसी जगहों के लिए, ऐसी भूमि के लिए। संजय ने पूछा तो टीचर्स कहते, टीचर यस संजय, हाँ संजय यू आर राइट, तुम सही हो। फीलिंग द नीड ऑफ मेकिंग पीपल अवेयर, लोगों को जागरूक करने की भावनाओं को समझते हुए अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, किसके लिए? एनवायरनमेंट के महत्व के लिए।
महत्व किसका, एनवायरनमेंट का, और इसे सुरक्षित रखने के लिए द राजस्थान गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड लॉज एंड कंजर्व्ड सच लैंड। तो इसके लिए राजस्थान सरकार ने कुछ लॉ बनाए हैं कुछ उसे कंजर्व करने के लिए, संरक्षण करने के लिए ऐसी भूमि को। तो संजय केदार सर, ड्यू टू रेस्पेक्ट ऑफ लोकल पीपल फॉर एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लॉज बाय द गवर्नमेंट, ऑरन गोचर एंड पास्चर लैंड हैव बीन प्रोटेक्ट। तो कहते हैं, तो संजय कहता है हाँ, गांव के कुछ जो सम्मानीय लोग जो होते हैं उनकी वजह से और सरकार के नियमों की वजह से जो है ये एनवायरनमेंट कंजर्वेशन होता है, और जिसकी वजह से ही पास्चर लैंड को सुरक्षित किया जा सकता है। पास्चर लैंड या ऑरन या गोचर भूमि जो होती है उसे संरक्षित किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है। दिस वे फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान आर बींग कंजर्व थ्रू वेरियस ट्रेडिशंस एंड लॉज। और इसी तरीके से राजस्थान के अंदर जंगलों को पारंपरिक तरीकों से और नियमों से कंजर्व किया जाता है। ऑन योर बर्थडे और न्यू ईयर और एनी पर्टिकुलर डे विच इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, देखो या तो तुम्हारा बर्थडे होता है या नया साल हो या फिर कोई ऐसा इम्पोर्टेंट दिन जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण होता है, प्लांट ए सैपलिंग प्लांट इन द नेम ऑफ योर एंसेस्टर एंड टेक रिजोल्यूशन टू टेक कंप्लीट केयर ऑफ इट। तो उस दिन आप लोगों को एक पेड़ लगाना है और अपने किसके नाम से, एंसेस्टर मतलब पूर्वजों के नाम से, सैपलिंग मीन्स होता है पौधा, ठीक है, तो अपने पूर्वजों के नाम से एक पौधा लगाइए और अपने कुछ रिजोल्यूशन बनाइए कि मुझे इसे बिल्कुल कंप्लीट इसकी केयर करनी है। दिस वे वी ऑल टुगेदर कैन प्रोटेक्ट ट्रीज, और इस तरह से सरकार के साथ साथ हम भी पौधों को क्या कर पाएंगे, प्रोटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक रहेगा, मैं आपको होमवर्क बता रही हूँ क्या करना है होमवर्क के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने सेकेंड क्वेश्चन तक हमने करा था, आज हम कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, राइट डाउन अबाउट चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन के बारे में लिखिए। तो देखिएगा आंसर, चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन 1970s वाज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट एम्ड एट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट फ्रॉम बींग डेस्ट्रॉयड। देखो चिपको मूवमेंट जो है वो 1917 के अंदर स्टार्ट किया गया था और ये एक अहिंसात्मक आंदोलन, नॉन वायलेंट का मीन्स होता है अहिंसात्मक और मूवमेंट आंदोलन है ये, और एम्ड मीन्स होता है उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, पौधों को जंगलों को कंजर्व करना, किससे सुरक्षित करना, किससे, डेस्ट्रॉयड होने से, नष्ट होने से बचाए रखने के लिए। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, मेक ए लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ ट्रीज, पेड़ों की उपयोगिता के बारे में बताना है कि पेड़ हमें क्या क्या देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, ट्रीज गिव अस फ्रूट्स फ्लावर वेजिटेबल्स वुड मेडिसिन एंड ऑक्सीजन। पेड़ हमें फ्रूट फ्लावर वेजिटेबल वुड मेडिसिन एंड ऑक्सीजन देते हैं। देन सेकेंड पॉइंट है, ट्रीज एंड प्लांट्स ब्रिंग रेनफॉल, और जो ट्रीज और प्लांट जो होते हैं वो बारिश लाते हैं। एंड थर्ड पॉइंट है, इट सप्लाइज फूड एंड फॉडर फॉर एनिमल्स, और ये जानवरों के लिए खाना या चारा का चारा भी उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है। तो ये जो दो क्वेश्चन है, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, इसको नोट डाउन करो जल्दी से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड आइडेंटिफाई विच फूड डज इट। देखो यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, किसकी पिक्चर है, रैबिट की पिक्चर है, और आपको ये देख के बताना है। यहाँ पे फोर ऑप्शन है, ए बी सी डी फोर ऑप्शन दिए हुए, उसमें से आपको एक ऑप्शन आइडेंटिफाई करके बताना है कि जो रैबिट जो है वो क्या खाता है, ठीक है। तो आपका आंसर रहेगा ए, कैरेट, ठीक है। तो आप ए पे टिक कर देंगे, कैरेट पे। नोट कर लेना इसको भी। आज का आपका होमवर्क नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी का बचा हुआ लेसन करेंगे। थैंक यू।